हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में किसी भी क्यूब की पहली लेयर को कैसे कंप्लीट करते हैं यह जानेंगे। तो दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये इस क्यूब की मैंने पहली लेयर को कंप्लीट कर रखा है। तो इसी तरीके से पहली लेयर को कंप्लीट करने के लिए वीडियो के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा उसके साथ में घंटे भी दबा दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो मैंने एक मैसअप क्यूब ले लिया है और इसके हमें फर्स्ट लेयर को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट लेयर को कंप्लीट करने से पहले हमें फर्स्ट लेयर पर एक प्लस बनाना होता है। वो प्लस कैसा होता है यह देखिए दोस्तों, वह प्लस इस तरीके से दिखाई देगा। और इस प्लस को एक बार ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें आपको क्या दिख रहा है कि हमें यहाँ पर प्लस बनाने के साथ साथ नीचे का जो सेंटर पॉइंट है इसका भी ध्यान रखना है, कलर से कलर मैच करना है। यहाँ पर देखिए, सफ़ेद से सफ़ेद मैच है और ऊपर नीला है, यहाँ पर लाल से लाल मैच कर रहा है और ऊपर नीला है, और इसी तरह ये पीला। तो दोस्तों, यह बहुत ही मेन पॉइंट है, क्योंकि अगर आप इसको गलत मिलाते हो तो आप इस वाली परत को आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इसलिए दोस्तों, यह बात ज़रूर ध्यान रखनी है। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम प्लस बनाते हैं। दोस्तों, मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि अगर हमें यहाँ पर नीला कलर लाना है तो नीले के साथ साथ यहाँ पर ऑरेंज होना चाहिए, यहाँ पर नीले के साथ साथ यहाँ सफ़ेद होना चाहिए, यहाँ पर नीले के साथ साथ यहाँ लाल होना चाहिए, और यहाँ पर नीले के साथ साथ यहाँ पीला होना चाहिए। ओके दोस्तों, तो अब हम इस वाले पीस को अगर हमें लगाना है ये वाला, तो यहाँ नीला होना चाहिए, यहाँ लाल होना चाहिए। तो हमें वह पीस ढूंढना है जिसमें नीला और लाल यह दोनों पीस हों। तो अब देखते हैं कहाँ पर है वह पीस। तो दोस्तों, हमें ये नीचे ही मिल गया है इसके, तो ये तो कंप्लीट है, लेकिन जो यह थोड़ा नीचे है उल्टा है, इसको अगर हम थोड़ा सा घुमा देंगे तो ये अपने लेवल पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसको हम घुमाते हैं। तो देखिएगा सर, ये भी कंप्लीट हो गया है, ये सब भी कंप्लीट हो गया है। तो अब हमें आगे चलते हैं। तो अगर हमें यहाँ पर नीला चाहिए तो यहाँ जो पीला होना चाहिए, तो हमें वह पीस ढूंढना है जिसमें नीला और पीला ये दोनों रंग हों। तो देखते हैं कि वह पीस कहाँ पर है। वह पीस ये है, तो हमें यह पीस कहाँ चाहिए, हमें यह पीस जहाँ चाहिए, तो हमें इसको यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पर घुमाएंगे, एक बार और घुमाएंगे, फिर यह इसको नीचे से घुमाएंगे, फिर यहाँ से घुमाएंगे। तो दोस्तों, आप क्या देखोगे कि यह पीस आ तो गया, लेकिन यह उल्टा आ रहा है। अगर हम इसको घुमाएंगे भी तो यह उल्टा आएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, एक बार घुमाएंगे, फिर इसको नीचे ले आएंगे, फिर यहाँ से रंग मिला देंगे, और दोस्तों फिर इसको इसके स्थान पर पहुँचा देंगे। तो देखिए कि आपकी यह भी कंप्लीट हो चुका है, पहले से पीला है और नीले से नीला है। तो आपका कुछ कुछ प्लस बनने लगा है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमें अगला पीस कंप्लीट करना है। तो कौन सा अगला पीस है वह देखते हैं। तो दोस्तों, अगला पीस ये है। तो दोस्तों, क्या है इसमें, इसमें यहाँ पर ऊपर नीला है, यहाँ ऑरेंज करना है, यहाँ पर नीला करना है, यहाँ ऑरेंज करना है। तो दोस्तों, हमें वह पीस ढूंढना है जिसमें नीला और ऑरेंज यह दोनों कलर हों। तो वह पीस कहाँ पर है हमें यह ढूंढना है। ठीक है, जो ढूंढते हैं। तो दोस्तों, वह कलर दोस्तों ये है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम इसको यहाँ पर इसके नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार घुमा के यहाँ ऐसे इसको हम नीचे ले आएंगे। तो दोस्तों, यह भी उल्टा आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ऊपर पहुँचा देंगे, फिर एक बार हम इसको और घुमाएंगे, फिर इसको नीचे लाएंगे, फिर हमें क्या करना है, इस कलर को इस कलर से मैच करेंगे। तो दोस्तों, ये देखोगे कि यह तो मैच हो चुका है, अब हमें यह वाला मैच करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको ऊपर की तरफ घुमा देंगे। तो दोस्तों, आपका यह प्लस कंप्लीट हो ही चुका है, अब आपको बस एक पीस और कंप्लीट करना है। तो वह पीस कौन सा देखते हैं। दोस्तों, वह पीस है नीला सफ़ेद, नीला और सफ़ेद। ठीक है, तो अब हम नीला और सफ़ेद पीस ढूंढते हैं। तो वह पीस है नीला और सफ़ेद, यहाँ पर है, ये है। तो यह है, तो हमारा कुछ कंप्लीट सा ही है, इसको हमें बस क्या करना है, इसको ऊपर की तरफ घुमा देना है। तो दोस्तों, आप देखोगे कि हमारा प्लस कंप्लीट हो चुका है, अब हमको क्या करने हैं, बस ये अपने कॉर्नर पीस कंप्लीट करने हैं। ओके, ठीक है। तो दोस्तों, कॉर्नर पीस में तीन तरह के रंग होते हैं, हर कॉर्नर पीस में आपको तीन रंग मिलेंगे, हर कॉर्नर पीस में। तो जैसे मानिए कि हमें यह वाला पीस कंप्लीट करना है, तो इसमें कौन कौन से कलर चाहिए हमें, हमें ऊपर वाला नीला, साइड वाला लाल,
और ये वाला सफ़ेद। तो हमें दोस्तों इस क्यूब में वह पीस ढूंढना है जिसमें लाल, नीला और सफ़ेद यह तीनों कलर हों, क्योंकि हमें वह पीस अगर हम यहाँ लगाएंगे तो हमारा यह कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आइए वह पीस देखते हैं, लाल, सफ़ेद और नीला। देखिए लाल सफ़ेद दोस्तों ये हमारे नीचे ही हैगा। अब दोस्तों अब इसको हम यहाँ पर कैसे ले आएंगे, तो अगर हम इसको इस तरीके से घुमा कर लाएंगे तो दोस्तों हम यह अपना यह पीस हटा लेंगे। इसलिए इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, अगर आपको जो पीस जो कलर ऊपर लाना हो, अगर वह इस पीस की साइड में है तो इसके लिए क्या करते हैं, एक बार नीचे घुमाइए, फिर यहाँ पर लाइए, फिर इसको ऊपर ले जाइए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए पीला, लाल, नीला, पीला, लाल और नीला। अगर दोस्तों हमें यह कंप्लीट करना है तो हमको पीला, लाल और नीला यह तीनों कलर वाला पीस चाहिए। तो वह पीस कहाँ पर है ये देखिए। तो दोस्तों वह पीस ये है, तो सबसे पहले इसको इस कोने के नीचे ले आएंगे। तो दोस्तों आपके देखोगे जो कलर आपको ऊपर लाना वह साइड में नहीं है, वह आपके सामने है। तो सामने वाले कलर के लिए क्या करते हैं, यहाँ से हटाइए, इसको नीचे ले आइए और कलर से कलर मिलाइए और यहाँ से ऊपर पहुँचा दीजिए। तो देखिए यह आपका कंप्लीट हो ही चुका है। अब दोस्ती यह देखिए, तो इसमें क्या है, इसमें ऑरेंज, पीला और नीला यह तीन कलर हैं। तो वह पीस ढूंढे जिसमें यह तीनों कलर हों, तो देखते हैं। तो दोस्ती यह हमारे नीचे हैगा, तो इसमें कहाँ पर है नीला, इसमें साइड में है। तो इसके लिए साइड वाले के लिए क्या बताया था, एक बार नीचे करो, फिर इसको कलर से कलर मैच कर दो, फिर इसको ऊपर ले जाओ। तो यह भी हमारा कंप्लीट हो ही चुका है। अब दोस्तों क्या है, ये सफ़ेद, ऑरेंज और नीला। तो दोस्तों यह आप देखेंगे कि यहाँ पर ये पहले से ही है, ये जो ये पहले से ही है, लेकिन यह अपने स्थान पर तो है, लेकिन यह उल्टा है, थोड़ा गलत लगा हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यहाँ से हटाएंगे, तो इसको ऊपर ले जाएंगे। तो आप क्या देखेंगे कि ये जो हम कलर ऊपर लेकर आना है हमें, वह हमारे सामने। तो सामने के लिए क्या बताया था, एक बार इसको साइड कीजिए, यहाँ इसको नीचे ले आइए और कलर से कलर अपना मैच कीजिए और फिर इसको ऊपर ले जाइए। दोस्तों आप देखोगे कि यह आपका कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर सारे पीस आपके स्थान पर लग चुके हैं, यह आपकी फर्स्ट लेयर कंप्लीट है। और आपको ये एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि यहाँ पर जब आप इसको कंप्लीट कर लोगे तो आपको टी बना हुआ दिखाई देगा, हर जगह टी, ये टी। जब दोस्तों आगे की लेयर को कंप्लीट करेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ में घंटा भी दबाएं। धन्यवाद।